आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो मेरा कहना है कि परमाणु क्रमांक कैसे याद रखा जाए, ये तो आपको आवर्त सारणी के तीसरे पार्ट में बता दिया था, बेसिक नॉलेज में, जो पहले वीडियो हमारे YouTube में डाउनलोड है। लेकिन परमाणु भार को याद रखना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक को तो हम सिस्टमेटिकली हम जान जाते हैं कि कैसे, एक फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेकंड ग्रुप में एलिमेंट है तो क्या होगा, लेकिन परमाणु भार को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ एलिमेंट्स का परमाणु भार जो है, यानी एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास जो है डबल होते हैं, कुछ का डबल से कुछ ज़्यादा होता है, कुछ का डबल से एक ज़्यादा होता है, किसी का दो ज़्यादा होता है, किसी का तीन ज़्यादा होता है, कुछ का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि एटॉमिक मास यानी कि आणविक परमाणुविक द्रव्यमान को आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको फायदा यह होगा कि आप उनका उपयोग केमिस्ट्री में आने वाले न्यूमेरिकल्स के लिए उपयोग करेंगे। आणविक द्रव्यमान याद होगा तो आप मोल से संबंधित क्वेश्चन कर सकेंगे, विलयन से संबंधित क्वेश्चन कर सकेंगे, विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन कर सकेंगे, इक्विलिब्रियम से संबंधित क्वेश्चन कर सकेंगे, आप थर्मोडायनेमिक संबंधित क्वेश्चन कर सकते हैं, गैस के क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी जहां तक हो सके, जहां सभी संभव जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं सभी न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक मास की जरूरत पड़ती है, और एटॉमिक मास को आप याद रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, उनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। एटॉमिक मास याद रखने से आप केमिस्ट्री के, मैं कहूँगा 100% क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन क्या एटॉमिक मास सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को याद रखना चाहिए हमें? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ तत्वों के एटॉमिक मास को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले एटॉमिक मास है क्या, वहां से स्टार्ट करते हुए, और किन किन तत्वों का एटॉमिक मास कैसे याद करना है, तो किन किन तत्वों का याद करना है और किन किन तत्वों को याद कर रहे हैं तो उनका कैसे याद करना है, वो बताएंगे आपको इस पार्ट में, इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि एटॉमिक मास अगर याद रहे तो आणविक द्रव्यमान हम कैसे याद करें। तो दो वीडियोस के बारे में बातचीत चल रही है, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू होते हुए पूरी केमिस्ट्री को मैं आपको सॉल्व कराते जाऊंगा, केमिस्ट्री आपको सिखाते जाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपके YouTube में एक भी वीडियोज़ नहीं डाला है, मतलब वही 10-12 वीडियो डालने के बाद बिल्कुल क्लोज हो गया था मैं, और अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो अब आपके वीडियोज़, हमारी वीडियोज़ रेगुलरली हफ्ते में एक या दो या तीन वीडियोस हर हफ्ते डलेंगे, और रेगुलरली आप इसको पढ़ते रहिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपकी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, और केमिस्ट्री आप सीखेंगे ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इसको कहते हैं परमाणविक द्रव्यमान। या परमाणु भार। परमाणु भार को हम A से डिनोट करते हैं, हम A से दर्शाएंगे परमाणु भार को, किसी भी तत्व के परमाणु भार को A से दर्शाते हैं। तो हमने देखा होगा कई बार इस तरह का कुछ लिखा हुआ, कार्बन 6, 12, या कभी कभी किसी बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है 6, 12, किसी बुक्स में ऐसे लिखा मिलता है 6, 12। तो चाहे जैसा भी लिखा हो, मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसको Z से डिनोट करते हैं, और ये जो है, ये है एटॉमिक मास। इसको A से डिनोट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। परमाणु क्रमांक होता क्या है किसी एटम में, ये थोड़ी सी बातें कर दूं। परमाणु क्रमांक होता है परमाणु के नाभिक में, एटम के न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यह होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
और ये क्या है, एटॉमिक मास क्या है, ये दो चीजों का योगफल होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी ये होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योगफल, ये होता है एटॉमिक मास। हम इस नंबर को याद करेंगे आज की क्लास में, हम आपको याद करना सिखाएंगे और किन किन तत्वों का याद करना है वो आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं शॉर्ट में यहां पर लिख देता हूं। एम किसी एलिमेंट को दर्शा रहा है और ये है एटॉमिक नंबर और ये है एटॉमिक मास, हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया आपको कार्बन 6, 12। हम कुछ तत्वों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करें, हम कुछ तत्वों का एटॉमिक मास याद करें और किन तत्वों का याद करना है मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, और हो सके तो मेरे साथ भी आप नोट कर लीजिए। आप याद रखें, हाइड्रोजन 1, 1, हाइड्रोजन 1, 1 बोलने का तरीका देखिएगा, हाइड्रोजन 1, 1 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, कार्बन 6, 12, नाइट्रोजन 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, सल्फर 16, 32, फास्फोरस 15, 31, सोडियम 11, 23, क्लोरीन 17, 35.5। मैं उन तत्वों का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पहले बता रहा हूं जिनकी जरूरत आपको हमेशा होती है, इसलिए ध्यान रखें कि कुछ नंबर आगे पीछे आते जा रही है, तो इससे आप घबराइए नहीं। सिल्वर 47, 108, आयरन 26, 56, कॉपर 29, 63.5, क्रोमियम 24, 52, क्रोमियम 24, 52, एल्यूमिनियम 13, 27, कैल्शियम 20, 40, फ्लोरीन 9, 19, लिथियम 3, 7, बोरॉन 5, 11, बेरिलियम 4, 9, पोटेशियम 9, 39, कोबाल्ट 27, 59, जिंक 30, 65.4, आयोडीन 53, 127, ब्रोमीन 35, 80, ब्रोमीन 35, 80, मैग्नीज 25, 55, मैग्नीशियम 12, 24। यहां पर ध्यान रखिएगा, जिंक का मैंने एटॉमिक नंबर लिखना भूल गया, तो जिंक का एटॉमिक नंबर है 30 और एटॉमिक मास है 65.4। इन तत्वों का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार याद रखें, परमाणु क्रमांक को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन परमाणु भार को तो याद रखना ही पड़ेगा, तो इसलिए इन चीजों को याद करिए और एक या दो दिन में याद हो जाती है। कैसे याद करना है मैं जस्ट थोड़ी देर में बताता हूं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए इन तत्वों के परमाणु क्रमांकों को, परमाणु भारों को कैसे याद करेंगे, इनके बारे में बातचीत करते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण तत्व है और इनको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो मैं अपने ज़माने में इसको याद कैसे करता था, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो लिखा हुआ है आप दिमाग में डालिए और फिर उसके बाद उनको मिटाते जाइए, फिर रिमाइंड करिए कि आपने किनको किनको याद किए हैं। जैसे मैंने, मुझे याद करना था तो मैं याद कैसे करता था, हाइड्रोजन 1, 1। अब मैं अपने दिमाग में डालूंगा इसको कि मैं हाइड्रोजन 1, 1 याद कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन 1, 1 ये याद हो गया। फिर कार्बन 6, 12 मुझे याद हो गया, नाइट्रोजन 7, 14 मुझे याद हो गया,
अब मैंने याद किसका किसका कर लिया है ये मैं ध्यान रखूं, तो मैं याद कर चुका हूं हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714। इस प्रकार से जिनका मैं याद कर चुका हूं उनको मैं यहां पर लिख दूंगा दोबारा, या यूं कह हूं दूसरी पेपर में इस काम को करता हूं रफ जैसा, तो मैं मुझे जो याद होती जाती है उसको मैं मिटा देता हूं वहां से, या फिर मिटाने का नहीं तो फिर आपके पास पेंसिल होगा, रबर होगा, पेंसिल से लिख पेन कॉपी में और फिर उसको मिटाते जाइए और याद करते जाइए, तो इस तरह से पूरे याद हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट लाइन का जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर सेकंड लाइन का सेकंड जरूरी है, फिर थर्ड लाइन की फिर जरूरी है, तो इस तरह से क्या होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइनों को पहले है जो दिया गया है, इनको आप सबसे ज़्यादा याद करिए, और जब ये पूरी तरह याद हो जाए तो फिर सेकंड लाइन को याद करिए, फिर उसके बाद थर्ड लाइन वाले को याद करिए। तो हमने आज देखा कि हम परमाणु द्रव्यमान कैसे याद रख सकते हैं, जिसको परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक मास अगर हमको याद हो गया तो हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हल करने में या सॉल्व करने में मदद मिलेगी, और हमें केमिस्ट्री समझने में मदद मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें केमिस्ट्री समझने, तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो कल की क्लास तक के लिए या नेक्स्ट क्लास के लिए आप पहले तैयार हो जाइए, इनको याद कर लीजिए। मैं बोलूँगा सीधा सीधा याद कर लीजिए, क्योंकि याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आणविक द्रव्यमान को याद नहीं करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको याद करेंगे तो फिर ऐसे में तो पूरी केमिस्ट्री याद करना पड़ेगा, जब पूरी केमिस्ट्री को याद करना पड़ेगा तो फिर केमिस्ट्री समझ में कैसे आएगा। तो केमिस्ट्री को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप केमिस्ट्री को कुछ छोटी छोटी चीज़ों को याद करें और बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व करें। केमिस्ट्री एक मैथमेटिक्स है जिनको हल करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, और केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार है, मैं आपको यही कहूँगा, लेकिन इसको सही तरह से और सही क्रम में याद करना पड़ेगा, सही क्रम में मेहनत करना पड़ेगा। तो कल हम देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आणविक द्रव्यमान हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आज की क्लास को यही समाप्त करने से पहले हम आपको कहें, अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई, हमारी क्लास आपको समझ में आई, तो हमें लाइक करिए, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, और सब्सक्राइब करते समय आप साइड में लगे हुए बेल को भी दबा दीजिए। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, और उन्हें बताइए कि इस वीडियो से आप उनको केमिस्ट्री समझने में बहुत मदद मिलेगी। मैं आपकी भाषा में, आपके शब्दों में, आपकी लैंग्वेज में अपनी केमिस्ट्री क्लास लूँगा, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, और नेक्स्ट क्लास के तक के लिए नमस्कार।